इन तस्वीरों को देखकर बहुत आहत है। चुनाव है, रैलियां हैं, चल रही हैं। बताओ कुछ हुआ है क्या? लाशों का हिसाब गड़बड़ाया है कागजों पर, बताओ धुआं है क्या? याद करिए अप्रैल 2020, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जब उत्तर प्रदेश की बात होती थी तो खबरें कुछ पॉजिटिव से दिखती थी। टीम 11 के साथ बैठक होती थी, वहां से खबरें निकलती थी, मीडिया की खबरों पर चर्चा होती थी। सब ठीक तो नहीं था, लेकिन कम से कम एक उम्मीद थी कि सीएम योगी संभाल लेंगे। कमियां तब भी थी, इस दौरान हमने कई तस्वीरें देखी, सैनिटाइजर की कालाबाजारी देखी, मुफ्त में मिल रहे राशन पर डाका डालने की कोशिशें हुई। कोविड कंट्रोल रूम के कर्मचारियों की लापरवाही ने जिंदगी की सस्ती तस्वीर दिखाई। सड़क पर हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर घर पहुंचने का जज्बा लिए बेसहारा मजदूर भी दिखे। नगर निगम ने भी लोगों की उम्मीदों को खूब छला। अस्पतालों पर रंगों की तस्वीर का आरोप लगा कि अस्पतालों पर की जिंदगी को सस्ता कर दिया गया है। इतनी कमियों के बीच भी कुछ तस्वीरें सुकून देने वाली थी। जब सब कुछ बंद था तो पुलिसकर्मी लोगों को खाना खिलाते नजर आए, राह चलते श्रमिकों को घर पहुंचने की व्यवस्था की गई, पुलिस दवाइयां पहुंचा रही थी, कोटा से गुपचुप तरीके से बच्चों को वापस यूपी लाया गया। हालात खराब थे, लेकिन लोगों को सरकार पर भरोसा था। कमियां नजरअंदाज की जा रही थी, सरकार की कमियां दिखाने पर उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा था, लेकिन फिर लॉकडाउन हटा, तस्वीर बदलने लगी। कोरोना की दूसरी लहर आई तो सब हाथ से फिसलता हुआ नजर आया। साल बदला है, महीना भी और तारीख भी बदल गई है। कोरोना ने तेवर भी बदला है, ये बदलता तेवर डरा रहा है, अपनों को अपनों की आंखों के सामने जला रहा है, बता रहा है कि हालात खराब हैं। शमशान पर कतारें लगी हैं, किसी को कोरोना का डर नहीं है, न मास्क है न जिंदगी की परवाह। कोविड कंट्रोल रूम वेटिंग में है, लोग घंटों लाइन पर बने रहते हैं और फिर फोन कट जाता है। टेस्ट के लिए सैंपल लेने में 48 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में भी नहीं मिल रहे। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि हमारा काम बेड दिलाना नहीं है। डीएम साहब ने मान लिया है कि अब लोग सड़कों पर मर रहे हैं। इनको क्या क्या और चाहिए? इनको लोग अटोड़ों पे मर रहे हैं। सरकार के मंत्री राजधानी के हालात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी उनकी भी बात नहीं सुन रहे। पंचायत चुनाव के शोर के बीच किसी को परवाह नहीं है कि जिंदगी कैसे बचेगी। पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है, लेकिन ये वक्त ये सोचने का भी है कि आखिर कमी कहां रही। क्यों पहली वेव के दौरान जिस योगी सरकार से सब प्रेरणा ले रहे थे, जिस सूबे में कोरोना कंट्रोल में लग रहा था, वहां अब सब कुछ हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। दर्जनों सीनियर आईएएस कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम ऑफिस तक भी कोरोना का कहर पहुंच गया है। सीएम योगी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी नमस्कार, मैं एक जानकारी चाह रहा हूं। जी सर बताएं। ये आपके यहाँ जो होम टेस्टिंग के लिए जब रिक्वेस्ट डाला जाता है तो उसमें मैक्सिमम टाइम कितना लगता है? मैक्सिमम टाइम 24 से 48 घंटे तक लगता है, बट एक्चुअल में अभी सब केसेस ज्यादा आ रहे हैं। हाँ। तो हो सकता है टीम व्यस्तता के कारण ना पहुंच पाई हो कहीं। अच्छा, मतलब फिर भी कुछ तो टाइम लिमिट होगी कि 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना? नहीं सर, 4 दिन 1 हफ्ता ही लगता है सर। मैक्सिमम टाइम तो 48 घंटे है, लेकिन अगर टीम किसी कारणवश नहीं पहुंच पाती है तो जल्दी से जल्दी टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। वही मैं जल्दी से जल्दी का मतलब समझ रहा हूँ कि इतने बुरे हालात हैं कि 48 घंटे की ज्यादा वेटिंग चल रही है। जी सर, 48 घंटे कभी कभी हो जाता है, वेटिंग हो जाती है सर। नहीं तो आप एक जरा डिटेल चेक करिए, मैं एक नंबर आपको बता रहा हूँ। जी सर बता रहा हूँ। 799
टेक्निकल कंप्लेंट लिखाई थी। हाँ जी सर, टाइमिंग तो नहीं हो पा रही है, लेकिन ये 12 तारीख को लिखाई गई थी कंप्लेंट। अच्छा 12 तारीख को सुबह ये कंप्लेंट लिखवाई गई थी, जो जानकारी मेरे पास है। और अभी आज 14 तारीख का शाम हो गया है, करीब 48 घंटे तो वो हो गए, उसके अलावा करीब 12 घंटे और होने वाले हैं। तो ये क्या 56 घंटे की टेस्टिंग की वेटिंग चल रही है? आपके पास कोई अपडेट है इस केस पे कि टेस्टिंग क्यों नहीं हो पाई? सर इसकी अपडेट तो हमारे पास नहीं है, एक्चुअल में हमारे कमांड सेंटर से डेटा भेज दिया जाता है। ये जो सिस्टम ऑफिस के द्वारा इंसिडेंट होता है वहाँ सब डेटा भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। हो सकता है कुछ विलम्ब हो रहा हो, बट मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ दोबारा से जल्दी से ये टेस्ट हो जाएगा। तो ये अगर आप दोबारा से प्रोसेस करेंगे तो इसमें कितना टाइम लगेगा अप्रोक्स? सर दोबारा से मेरे द्वारा रिमाइंडर डाल दिया जाएगा, जो सेम ऑफिस की टीम लेगी फॉलोअप लेगी। अच्छा ये बताइए, जैसे आपके यहाँ जो कंप्लेंट की जाती है तो इसका कोई फॉलोअप नहीं लिया जाता है कि टेस्ट हुआ नहीं हुआ, किसी ने कंप्लेन करा दी? सर लिया जा रहा है, बट एक्चुअल में बहुत सारी कंप्लेने दर्ज हो चुकी है। मतलब इतनी कंप्लेंट है कि फॉलोअप भी नहीं लिया जा पा रहा है? सर बहुत ज्यादा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टेस्टिंग, अकॉर्डिंग टू सर वेरिगेटिंग, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, सर बहुत सारे कंप्लेंट है ना सर। तो आइए समझते हैं कहां से ये सब बिगड़ा है। कोरोना के कहर के बीच जब लॉकडाउन हटने लगा और वैक्सीन आ गई तो भी केंद्र सरकार लगातार कहती रही दवाई भी कड़ाई भी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जनता तो नेताओं के एक इशारे पर नाचने लगती है, लेकिन हमारे नेताओं ने पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया। प्लान था कि जो श्रमिक दूसरे प्रदेशों से वापस आए हैं उनके लिए काम की व्यवस्था की जाएगी। टीम 11 की मीटिंग में इस पर खूब चर्चाएं हो रही थी, लेकिन जब काम नहीं मिला तो वे वापस जाने लगे। सरकार ने भी सोच लिया कि सब नॉर्मल है, लोग जा रहे हैं तो जाने दो। अब फिर लोग लॉकडाउन के डर से वापस आने की जुगत लगा रहे हैं। अगर व्यवस्था ठीक रहती तो ये ना होता। कागजों पर नियम था कि बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो चालान होगा, लेकिन जहां आम लोगों ने इसे हल्के में लिया वहीं पुलिस प्रशासन भी सड़कों पर मौन दिखा। न चालान का डर रहा और न ही जिम्मेदारी का एहसास। जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश पर आदेश निकलते रहे कि हर दुकान हर प्रतिष्ठान पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए, लेकिन ये नियम भी बस कागजों पर ही रहा। लोग खुद को नॉर्मल समझने के साथ कोरोना को भी नॉर्मल समझने लगे और यही बात सरकार ने भी मान ली। लखनऊ पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट में व्यस्त थी तो लखनऊ के जिलाधिकारी कागजों पर आदेश जारी करने में। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सवाल यह है कि ऐसे नाजुक वक्त में सरकारी खजाने को खोलकर फिर से योगी सरकार पुराना पैटर्न लागू क्यों नहीं कर रही? क्यों एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाकर सरकारी संसाधनों का उपयोग जनता के लिए नहीं किया जा रहा? क्यों अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को हल्का करने के लिए कोई विकल्प नहीं खोजा जा रहा? ये सवाल बेहद जरूरी हैं, जिनका जवाब सरकार को खोजना चाहिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब लोगों की जिंदगी के साथ उनकी जीविका को भी बचाएंगे।